फ्लाइट पाथ बन जाता है क्वेरी के आसपास टीम जाना चाहे जा सकती है यस डॉक्स का ये जो फ्लाइट पाथ है इट गिव्स अ लॉट ऑफ एरिया फॉर द प्लेयर्स टू ग्लाइड अगर आप जाना चाहे मोंगनाई के एरिया तक भी आराम से जा सकते हैं लूट करके वापस आ सकते हैं बट मैं ज्यादा ये चीज तो बनी जाती है इसी हिसाब से मैं देखना चाहूंगा कि नो क्या टीम्स के माइंडसेट में रहता है लेकिन आपने जैसे बात करी कि नो प्लेयर्स आसपास उतरे जरूर हैं तो अर्ली स्कर्मिशेस मोस्ट ऑफ रेत को भी आप देख सकते हैं और ये आती है वो टीम जो कहीं ना कहीं बेहतरीन गेम प्ले से हमें बैक टू बैक चाहे पिछला गेम यू नो इनके लिए चिकन नहीं था बट प्रभावित तो इन्होंने उस गेम में भी किया क्योंकि वहां पर जो कवर फायर दिए जा रहे थे जब क्रेटोस की प्रॉपर कॉल्स आ रहे थे और अपनी टीम के साथ एक्यूमुलेट होना चाहेंगे क्योंकि अगर आप देखें प्लेयर्स हल्के फुल्के दूर है एक दूसरे से राइट एंड यहाँ पे स्काउटर मवी डुओ में घूम रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग समथिंग डिफरेंट मे बी उनको कुछ अजम्पशन है उन्होंने ऑब्वियसली फ्लाइट पाथ सॉरी ड्रॉप करते टाइम नोटिस किया होगा कि वहाँ पे क्लैश यूनिवर्स के प्लेयर्स भी उतरे थे सो आई थिंक उस चीज का उन लोग स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान रखना चाह रहे हैं थोड़ा प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनिंग टीम जो हालत है यहाँ पे अर्ली पिक लेते हुए और अक्षत को भी डैमेज पड़ा है मतलब वो जो कोशिश की जा रही थी कवर फायर देने की या फिर मे भी थोड़ा सा कवर देने की वो कहीं ना कहीं मुश्किलों में गई दोनों प्लेयर्स के लिए पता आखिरी गेम है टीम्स अपने यू नो फुल ऑन वो मजे के लिए खेलना चाहे तो अभी भी जाकर एक अच्छा एरिया होल्ड करके मे भी जस्ट मे बी अगर फाइट्स आते हैं तो फाइट्स देने से कोई भी टीम नहीं कतराएगी अभी करेक्ट बिल्कुल सही कहा आपने अब देखते हैं कि यहाँ पे बट बिकॉज अर्ली क्लैशेस हमें एसएस देखने को नहीं मिले एक्सेप्ट फॉर टीम के 18 एंड टीम जोनाथन जिसमें एक कैजुअलिटी हो चुका है आई थिंक हमें रोटेशंस इंटरेस्टिंग मिलेंगे रोटेशंस कट करने वाले टीम्स जो यू नो गेट कीप करेंगे आई थिंक वो इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा काफी बार टीम्स हिल्स को होल्ड कर लेते हैं वहां से काफी सारे डैमेज मिल जाता है उनको लेट्स सी क्या करते हैं मीन भाई क्लैश यूनिवर्स की टीम यहाँ पे पानी में स्विम करके दे आर क्रॉसिंग ओवर टू द नेक्स्ट आइलैंड इंटरेस्टिंग स्टफ जल्दी मूव किए शुड बी अ सक्सेसफुल बिल्कुल बिल्कुल उसी हिसाब से हम देखते हैं वो जो मूवमेंट आएगी देखिए इट कैन बी सक्सेसफुल मूव एंड उसमें एक और बात आती है कल हमने देखा प्लेयर्स को वो सैनो के मैप में यू नो गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे मैं देखना चाहूंगा कि क्या आज वो होता है और अगर होता है तो किस तरीके से होता है क्योंकि आपको भी याद रहेगा कल जब एक रोटेशन एक अच्छी रोटेशन खराब रोटेशन में तब्दील हो गई थी जब प्लेयर्स की जो व्हीकल है वो किसी ना किसी पत्थर से टकराई थी या सैनो में हुआ था तो मैं आज देखना चाहूंगा क्या होता है मीनवाइल ऑडियंस से भी मैं ये पूछना चाहूंगा आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी टीम है जो ये वाला गेम अपने निकाल करके लेकर के जाती है अभी तक एक ही कैजुअलिटी हुई है ओवरऑल और बाकी सब टीमें अभी भी जीवित हैं तो मे बी जस्ट मे बी स्पैम हार्ट्स एंड लेट अस नो व्हिच टीम डू यू थिंक इज गोना विन दिस वन करेक्ट यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है कुछ भी डायरेक्शन में गेम जा सकता है पर यस अगर कोई भी टीम यहाँ पे टॉप टू टॉप थ्री फिनिश के देख रहे हैं रिमेम्बर 15 किल चिकन डिनर इज व्हाट मेक्स अ टीम जो भी 6th, 7th, 8th या 5th पोजीशन में है अ वेरी इजी चांस ऑफ मेकिंग इट टू द टॉप टू आई वुड से फर्स्ट तो अब नहीं हो सकता सेकंड और थर्ड का ही स्पॉट खाली है मीनवाइल 4King की टीम अगर इनकी बात करें ओशेनर आई हैव बीन प्रीटी इंप्रेस्ड विद द वे गुरु हैज प्लेड यार काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनकी तरफ से हिज शॉट्स आर ऑन पॉइंट काफी प्रैक्टिस करके आए हैं कमांड ओवर द गेम इन मतलब आई एम सुपर इंप्रेसिंग गॉब्लिन लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट क्या बोलते हो Exactly. Goblin is a promising talent and Guru obviously is a brilliant player. अगर मैं बात करूं इस प्लेयर की और जो इन्होंने टीम में ना एक्यूमुलेट कर रखी है वो बहुत बेहतरीन है Ferocity, Roach, ये दोनों प्लेयर्स को भी आप कभी भी कम नहीं आंक सकते I mean, Roach की मैं बात करूं इस प्लेयर को तो क्या ही कहने रहेंगे सो या Goblin कैन बी अ रियली रियली प्रॉमिसिंग प्लेयर जब आने वाले समय भी मे बी इनको देख सकें आगे और ज्यादा एनालाइज करने का भी टाइम मिलेगा किस तरीके से इनका प्ले स्टाइल रहता है और क्या क्या चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है वेल दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कहीं ना कहीं पड़ी आप देखते हैं AWM ये कौन उठाता है अगर कोई उठाता है काफी दूर है ओशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट यस ओवरऑल आई थिंक यू नो एज वी लाइक ये लास्ट ओ एंड ये आउट ऑफ नोवेयर हुआ मतलब बिकॉज मैं वैक्सियो कभी ऐसा वाकते हुए नहीं देखा हूँ इट हैज टू बी समथिंग जो बिल्कुल सरप्राइज मिला होगा उसको एंड दिस इज नदर देन आई थिंक अल्फा का स्क्वाड मूविंग इन साइरस गेमिंग लीडिंग द चार्ज यहाँ पे आदित्य ने स्पॉट कर लिया साइरस को एंड आई थिंक साइरस पिछले से पहले 10 बार सोचेंगे आदित्य अगर सामने है बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है मल्टीपल शॉट्स देख रहे हो आप क्या परफेक्शन एंड क्या प्रिसिशन शॉट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं चीज जो ये थी इस फाइट के अंदर वो ये था आप देखिए साइरस एक एंगल पे पीक करके फाइट ले रहे थे और जो आदित्य थे वो नीचे से यू नो क्राउच से उठ करके फाइट ले रहे थे तो पीक वर्सेस यू नो क्राउच इन फाइट्स में बहुत ज्यादा मुश्किलें बन जाती हैं बट वेल एंजल ने डेस्टिको पे पिक यहां पर कर लिया है ये इनके लिए पहला फिनिश नजर आता है हमें और अब यहां पर कहीं ना कहीं पलड़ा भारी हो जाता है ऑब्वियसली दूसरी टीम का जो
जो अगेंस्ट जामिन सर्विस की टीम का अगर मैं बात करूं, और रूपलेस अब मूव इन करना चाहेंगे, आप देख सकते हो ओपन में स्पॉट किया जाता है, एक जीरो स्पॉट किया, डेंजर केस भी बहुत कम करी थी, लेकिन वो यहां पर पिक करने में कामयाब हुए। मेक्सिको जो थोड़े बहुत ब्लंडर्स यहां पर हुए वो बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर कर सकते हैं टीम के लिए, क्योंकि आदित्य और क्लैश यूनिवर्स बचे हैं और इन दोनों प्लेयर्स को ये पूरी फाइट बनानी पड़ेगी, पूरी फाइट निकालनी पड़ेगी। डेंजर आगे आ चुके हैं, फर्स्ट एड लगा चुके हैं वो अपने लिए, बट डेंजर यहां पर स्पॉट हो जाएंगे और उनको यहां पर पिक किया जरूर जाएगा क्लैश यूनिवर्स के द्वारा, ट्राइंग टू मेक इट ऑन टू अ लेवल फील्ड, लेकिन क्लैश यूनिवर्स को डाउन किया जाएगा। आदित्य के कंधों पर पूरा भार आ चुका है, बहुत मुश्किल है आदित्य के लिए इस समय, बन सकती है एक कुक यहां पर नेट किया जा रहा है, बट आदित्य विल बी एबल टू टेक हिम डाउन। और अब ये बारी आती है 1v1 की और अल्फा आगे मूव करेंगे, आने वाले आदित्य को स्पॉट के लिए एचपी काफी कम कर दिया, आदित्य के एचपी कम है बट उन्होंने डैमेज अल्फा को दिया, आप बाहर की तरफ को आ चुके हैं, बट वेल अल्फा विल बी टेकिंग हिम डाउन। ये बेहतरीन तरीके की फाइट यहां पर निकाली है इस टीम ने, साइरस गेमिंग की टीम ने। सुपर इम्प्रेस टू सी द वे अल्फा, जिसको मैं मोटा भाई बुलाता हूँ, द वे ये प्लेड इट आउट, बहुत ही इम्प्रेसिव था, बहुत शानदार तरीके से एक लास्ट फिनिश, बहुत ही क्रूशियल फिनिश था, बट न्यूक्लियर एंड डेंजर आई थिंक, मतलब व्हाट डू यू थिंक ओशन, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद यू नो क्लैश यूनिवर्स की टीम, बिकॉज वी नो आदित्य डेस्ट्रो वेक्सियर काफी इनसेन प्लेयर्स, आई नो क्लैश यूनिवर्स है बट देन इवन ही हैज गुड कमांड ओवर मोबाइल, पर आपको क्या लगता है इस फाइट में क्या गलत हुआ, थोड़ा सा टेक्निकल? I would say getting caught off guard, सबसे पहला तो वो चीज था, एंड उसके बाद जब आपको पता है कि आपने एक प्लेयर को, आपका एक प्लेयर नॉक हो चुका है, नो डाउट वो रिवाइव कर रहा था, बट डेस्ट्रो उसके बाद ओपन में गए, वो एक गलती वहां पर निकल कर, मे बी उनका कॉम ऐसा रहा होगा कि हमारे एरिया पर आप आ सकते हो, वहां पर हम लोग एक एक ही घर से पीछे मूव करना शुरू करते हैं, शायद ऐसा एक कम्युनिकेशन रहा होगा, बट उसी चीज का फायदा यहां पर सर्विस की टीम ने उठाया, और जो टीम अल्फा उन्होंने उठाया, और उन्होंने ऑब्वियसली एक पिक निकाला, दूसरा पिक निकाला, एंड फिर तो वो जस्ट आगे की तरफ को मूव करना शुरू कर दिया। अल्फा की एक और बेहतरीन चीज थी, पहले उन्होंने नेट को किया, नो डाउट वो अंदर गया तब तक उनको हल्का सा डैमेज पड़ा, बट उन्होंने उसके बाद जो गन फाइट दिखाई वो 1v1 में, बिकॉज 4v4 से ज्यादा प्रेशर कभी-कभी 1v1 में होता है, एंड अल्फा डिड दैट ब्रिलियंटली। करेक्ट, एंड यहां पे वहां पे मीनवाइल वी सी रौनक की टीम पिकिंग ऑफ अ कपल ऑफ प्लेयर्स, एंड यहां पे स्मोकी कुड बी अ लॉट ऑफ ट्रबल, सांगवान वहां पे फ्लैंक कर रहे हैं, स्मोकी को शायद स्पॉट कर लेंगे, बट ही नीड्स टू बी केयरफुल, स्मोकी उसको स्पॉट किया बट सांगवान रॉन्ग गलत पत्थर पे, रॉन्ग स्टोन पे वो पिन पॉइंट किया, इंस्टेंटली पनिश किया स्मोकी ने उनको, थोड़ा सा रुकी मिस्टेक हो गया सांगवान से, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गुड गेम, एंड वहां पे रौनक पैराडॉक्स को फिनिश करेंगे, रेवेनेंट के पैराडॉक्स को, एंड सांगवान को यहाँ पे आई थिंक सांगवान रिवाइव हो जाएगा, नो स्ट्रेस, एक यू नो नॉर्मल स्मोक या एक लोटो स्मोक करेंगे और उसके बाद आगे मूव करके वो रिवाइवल जरूर वहां पर दे सकते हैं। प्लस प्लेयर्स यहां पर हैं, जो एक प्लेयर पीछे रहेगा जो ऑब्वियसली एक अच्छा कवर दे सकता है, आप देख ही सकते हैं स्पावर यहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बनाने की उनका ही जो नीड है काफी अच्छा हो सकता है, एंड सांगवान को वहां पिक किया जाएगा क्रॉन्टन के द्वारा। आप जो प्लेयर्स आगे मूव कर रहे थे, पहली चीज उन्होंने अपनी यूटिलिटीज का भी इस्तेमाल किया बट वो रिवाइव नहीं कर पाए, सो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फाइट बन चुका है, एंड रैथ को मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका जो एंगल जो वो होल्ड कर रहे हैं वो जरूर एक ऑफ एंगल से मुश्किल में डाल सकते हैं, बट एवरी प्लेयर नाउ इज मूविंग टुवर्ड्स हिम ओनली। यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करें गॉडलाइक की, तो गॉडलाइक यहाँ पे क्रॉन्टन मूव इन कर रहा है, पर आई थिंक इनके पास हाइट एडवांटेज है, जी ये चीज रियलाइज करके एंड दे इंस्टेंटली बैक टॉप, नॉट योर बैक ऑफ, कितना अच्छा है कि आइकॉनिक पे बहुत सारा स्प्रे समाउ डॉच करते, आई थिंक एक पत्थर के पीछे कवर लेके थोड़ा छुपने की कोशिश करे होंगे, एंड ही वुड जस्ट वांट कि वो यू नो छुप के हील करे, एंड मीनवाइल गमला बॉय रैथ को कंफर्म करेंगे, डायनामो की टीम इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके एक और बार अपने लिए फर्स्ट लगा चुके हैं, और बार अपने को 75 एचपी पर लेकर के आ चुके हैं, बट उसके बाद किस तरह से फाइट्स बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। पुकार ऑलराइट वो मूव कर रहे हैं, जो सर्कल के बाहर की फाइट्स होती है वन सेकंड बहुत चैलेंजिंग फाइट्स होती है, और इस टाइम ये टीम इसमें नहीं रहना चाहिए। पहली चीज इनके पास तीन फिनिशेज है जो बेहतरीन है, आज का दिन नो डाउट उतना अच्छा नहीं रहा इस टीम के लिए, बट ये आखिरी गेम तो बहुत बेहतरीन बनाना चाहेंगे, तो मैं देखना चाहूंगा वो कैसे होता है। बट लुक एट दिस आउटसाइड द सर्कल दे आर मूविंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वन प्लेयर जो कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऊपर जाने के लिए आगे जाने के लिए बहुत सेफर एरिया है। बट टॉकिंग अबाउट द टीम्स ऑन द राइट हैंड साइड, जहां पर अंतर्यामी का स्क्वाड आता है जो थोड़ा सा लेट जाएंगे, एंड जहां पर स्नैक्स का स्क्वाड आता है उनके पीछे, मैं देखना चाहूंगा वो लेट एंट्री अगर लेते तो कैसे लेते हैं, अगर अर्ली एंट्री लेते तो अभी उनको सेंटर लाइन थोड़े से खाली मिलेंगे, सो एक गैम्बल बन जाता है, प्लेयर्स के माइंड पर रहेगा क्या वो लेट जाएं या अर्ली जाएं। एंड यहाँ पे प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के यूज हो रहे हैं, हम एलवी गॉड निक्सन को देख रहे हैं, बहुत ही शानदार जंप पे जंप, ओनली रूफ टू रूफ, ये ग्राउंड लेवल पे चलते ही नहीं है, देखिए जमीन को टच ही नहीं कर रहे, सिर्फ भागे जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग प्लेयर यू नो गॉड निक्सन, काफी अप्रिशिएट करता हूँ मैं इनको, काफी इंटरेस्टिंग इनका कॉन्टेंट रहता है, काफी कुछ सीखने को भी मिलता है और से, एंड यहाँ पे अभी रेडी रखते हैं फॉर द फाइट्स दैट वी वर जस्ट यू नो टॉकिंग अबाउट इट, देखते हैं खैर क्या होता है, बट अभी के लिए आप देखिए यहाँ पर जो प्लेयर्स रहेंगे हमारे बंदूक पास के पॉल टॉक्सिक और ये सब प्लेयर्स जस्ट अब अपने एंगल्स अच्छे खासे होल्ड कर रहे हैं, केटिन को आप यहाँ पर देख सकते हैं, केटिन और उनका जो स्क्वाड है वो भी एक अच्छा खासा एरिया आसपास के घर वगैरह होल्ड कर रखे, बट उनके
सामने एक स्क्वाड में नजर आएगा जो मिनिमम दावेदार है। देखो मतलब इनके पास वैसे इनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहा है, 3-4 बार हम लोग इनको टॉप 4 टॉप 5 पे देखे पर कभी बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाया। अब यहाँ पे मैक्सिंग के टीम के सामने है मॉर्टल की टीम, फाइट हो सकती है। यहाँ पे पाओ किलो कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आई गेस ये ट्राई कर रहे हैं कि ये डोर टूटता है नहीं टूटता, इससे अज्यूम करेंगे कि टीम ओपोनेंट्स कितने करीब आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बात यही आती है कि इन सब चीजों के अंदर अब सर्कल भी अगला हमारे यू नो करवट लेने वाला है। अब आप देखिए सबसे पहली कैजुअलिटी जो हुई थी वो हमें जोनाथन की टीम में देखने को मिली थी, तो वो हल्का सा अभी भी नीचे है तो उनको आगे जाना पड़ेगा, वो उनके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। सो मैं देखना चाहूंगा वो कैसे करते हैं। एंड टीम मॉर्टल एज वेल, टीम मॉर्टल इस समय घिरी हुई है, टीम से ज्यादा करीब नहीं है उनकी टीम्स, बट स्टिल अगर कोई भी यहाँ से यू नो एक गनशॉट एक मिसफायर होता है तो उनको पता चल जाएगा, या फिर ये घास के एरियाज भी देखने पड़ते हैं, कोई अगर लेटता हुआ आ गया रेंगता हुआ आ गया वो अभी से आपको दिक्कत बहुत ज्यादा दे सकता है। सो ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब क्वेरी के एरिया से सर्कल जा चुका है, 450-450 मीटर के आसपास का जो सफर है वो टीम्स को तय करना है और टीम्स उसकी शुरुआत कर चुकी है क्योंकि ज्यादा नहीं तो हाँ 45 सेकंड बचे हैं और उसी चीज के अंदर प्लेयर्स को मूव करना पड़ेगा। करेक्ट है। यहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह से घातक की टीम जिसमें अर्ली डैमेज हुआ है, एसडी के गमला बॉय ने सेंसे को पिक ऑफ कर लिया था, काफी दूर है इन लोग सर्कल से, बट सेनॉक में एटलीस्ट वो भी दिक्कत तो नहीं है, थर्ड सर्कल तक डैमेज और स्पीड वाली इशू नहीं आएगी। देखते हैं इन लोग सेफली मूव कर पाते हैं नहीं कर पाते सर्कल के अंदर। 16 टीम 59 प्लेयर्स काफी ज्यादा डिफेंसिव हो गए हैं टीम्स। यहाँ पे INDI वुड वांट टू हैव अ फाइनल नेल इन द कॉफिन, मैं बोलूंगा हम चाहेंगे कि एक चिकन डिनर ले, देखते हैं ले पाते हैं नहीं। That's obviously, अभी तो जिस तरीके का चल रहा है इनका गेम प्ले मैं बोलूंगा वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है स्काउट को, वो सही मौके पर जो उन्होंने प्रोन किया काफी बेहतरीन था। अब वो अपनी एक यहाँ पर निकाल चुके हैं लेकिन आसपास जो फाइट तो हो चुका है, एक अच्छा एंगल यहाँ से बना सकते हैं गोस्टी के अगेंस्ट और गोस्टी को उनको पता है कि गोस्टी दूसरे वाले एरिया पर और वहीं पर मावी जा रहे थे, मावी को पिक किया जाएगा डॉन की तरह जो राइट हैंड साइड बने, स्काउट अपने फर्स्ट लगा रहे हैं लेकिन मॉर्टल भी यहाँ पर पिक हो चुके हैं, रेगल टॉस और स्काउट ये दो प्लेयर्स बचे, दो प्लेयर्स को यहाँ पर मैक्सन की स्क्वाड के अगेंस्ट फाइट निकालनी पड़ेगी। पाओ किलो आगे की तरफ घूम फिर उनको पता चल गया उनके ऑपोनेंट काफी कम एचपी पर है। Well, देखते ही देखते यहाँ पर टीम मॉर्टल का स्क्वाड ये एंट्री जो ले रहे थे थोड़ी सी दिक्कतें आई उनको। Yes, and यहाँ पे instant demolition जिसको आप बोलते हो सोल मॉर्टल की टीम का जब उन लोग पुशिंग किए एकदम मतलब यू नो आई थिंक चारों खाने चित वाली बात है। यहाँ पे INDI is ready to execute the third party, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कुछ एक्शन का रिएक्शन जैसी होता दिखा, इन्होंने यहाँ पे सीधा पिक ऑफ करना शुरू इनका पता चल चुका है यू नो प्लेयर्स इनके पीछे, वही जो मैं बात कर रहा हूँ कि पैराडाइज से आसपास तक जहां तक प्लेयर्स हैं हल्के फुल्के गनशॉट्स होंगे तो आपको पता चलता रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, सो दे नो वेयर द प्लेयर्स माइट जस्ट बी, तो वो उसी एरियाज के आसपास ढूंढ रहे हैं और बाकी सब प्लेयर्स पैराडाइज के पीछे अगर कोई टीम आती है उनको देखने के लिए तैयार है। सो INDI का जो सिनर्जिस्टिक गेम प्ले है, जो टीम स्नैक्स का सिनर्जिस्टिक गेम प्ले, आई एम लविंग दैट मोर देन एनीथिंग। करेक्ट, एक्शन बिल्कुल हो रहा है चारों तरफ, इसी एक्शन के बीच में आई थिंक बहुत कुछ यू नो ऊपर नीचे हो सकता है। वहां पे हकुर पंक ने पिक ऑफ किया पुकार को इंस्टेंटली रौनक का कवर फायर पंक को पिक ऑफ करने के लिए, आई थिंक यहाँ पे टीम घातक काफी ज्यादा डिफिकल्टी में हो सकती है। लेट्स सी कि किस तरह से इनके बीच में ये फाइट होता है, क्या घातक अपने टीम को अकेले बचा पाएंगे नहीं। मीनवाइल गॉडल की टीम वहां पे केटिंग को पिक तो किए थे बट आई थिंक वो रिवाइव हो गए, सो वहां पे भी अभी कोई स्ट्रेस नहीं है पर स्मोकी पिन जरूर करके रखे हैं। हाँ उनका वो जो पिन है वो वहाँ पर रहेगा जरूर, वो उस एंगल की सारी इन्फॉर्मेशन दिलवाते रहेंगे, लेकिन क्रॉन्टन को अभी देख सकते थे वो भी उस एरिया पर देख रहे थे, बट क्रॉन्टन से हटकर अगर हम बाकी फाइट्स में आए तो यहाँ पर अभी आप बंदूक पास जो थोड़ी देर पहले हम बात कर ही रहे थे कि वो अपना टॉप टीवी पे एंगल्स देख करके देख रहे हैं, सो आसपास के केओस में ये टीम अभी बहुत काम है, बहुत शांत है। सॉरी वो साइबर्स पर थे, साइरस की टीम है। एनीवेज यहां पे अल्फा की टीम 3 मैन बोल्ड करियर शुड नॉट बी टू मच जगह पर, अंतर्यामी की टीम द टीम दैट हैज बीन ऑन अ रोल राइट नाउ, मतलब जिस तरह से इन लोग खेले हैं इट हैज बीन क्रेजी। Exactly, it has been, definitely has been, Iconic को वहाँ पर नॉक किया जा चुका है, आतंक already, he's trying, he knows कि कोई ना कोई तो नीचे की तरफ को रहेगा, एंड उन्होंने वो पहले स्पॉट भी कर लिया था, तभी प्रो को वहाँ पर हल्का सा डैमेज हुआ था, तो प्रो भी ऊपर उठना तो नहीं चाहेंगे, बट K18 यहाँ पर एक अच्छा रिटेलिएशन देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने गॉड निक्सन को नॉक कर दिया है, वो फिनिश आता है या नहीं वो एक सवाल बन जाएगा। 20 मिनट का मार्कर हम टच करने वाले हैं यहाँ पर तक और 15 टीमें अभी भी जीवित हैं, सोचिए। करेक्ट, एंड यहाँ पे अगर आप देखो 4 किंग की टीम की अगर हम बात करें 0 किल्स के साथ है पर सर्कल के अंदर बिल्कुल आ चुके हैं, पैराडाइज रिजॉर्ट पे अपना इलाका बना चुके हैं, एंड ये बहुत ज्यादा अब यू नो पैराडाइज रिजॉर्ट हॉटस्पॉट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हमें फाइट देखने को मिल सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। बिल्कुल बिल्कुल उसी चीज को कहीं ना कहीं हम देखना जरूर चाहेंगे क्या होता है, लेकिन गुरु वो जस्ट अपने लिए अच्छा एंगल बना के बैठे, फेरोसिटी भी कोई यहाँ से आएगा लेकिन क्रॉन्टन को मुश्किलें जरूर हो सकती है शायद।
करेक्ट है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे जिस तरह से मूविंग कर रहे हैं काउंटर वहाँ पे कवर देने की कोशिश, आई क्यू बॉल अकेले गए उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है एंड आई थिंक बच्चे हैं क्रॉन्टन समाउ स्टिल सर्वाइविंग, काफी ज्यादा डैमेज कर चुके हैं, ही नीड्स कवर फायर इंस्टेंटली जो आ रहा है धीरे धीरे दूर से, आई थिंक धीरे धीरे अगर मैं मैप देखूं ऊपर की तरफ सारे प्लेयर्स यस द कवर फायर इज हियर एंड अब आई थिंक क्रॉन्टन इज सेफ फॉर नाउ अभी के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो आती है। लेकिन जो क्रॉन्टन ने शुरुआत करी उनको पता है कि एक व्हीकल जो रॉनी ट्रक होता है वो उनके पास आ रहा है और उसके अगेंस्ट उन्होंने जो फाइट ली काफी बेहतरीन था और अब क्लच गॉड को यहाँ पर रेस मिल चुका है तो जॉनथन और क्लच गॉड कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आगे मुफ रहे क्योंकि जो 4 मीटर का फासला है ज्यादा तो नहीं है बट अगला जो सर्कल रहेगा एक्जैक्टली वो जरूर इनको दिक्कत दे सकता है और ये जो पिक्स है ये हमें अब नजर आ रहे हैं जो किलफिट में थोड़ी देर पहले हुए जरूर थे बट अब यहाँ से आगे जाना और दो प्लेस को आगे जाना वो भी सारी फाइट्स को अवॉइड करते हैं, मे भी थोड़ी बहुत फाइट्स लेते हुए मैं देखना चाहूंगा कितना चैलेंजिंग रहेगा और जॉनथन उसको किस तरीके से देखते हैं अभी। करेक्ट है, यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या जॉनथन और उनके टीममेट कुछ एक्सेप्शनल गेम पे दिखा के हमें टॉप 5 फिनिश दिखा पाएंगे। नहीं पर मीनवाइल आईटी पिंस घुसे 8 बिट के 18 को इंस्टेंटली पनिश किया, वहां पे निक्सन भी घुसे उनके साथ साथ अंदर में प्लेयर्स तो है के 18 को पहले कंफर्म करेंगे, अब देखते हैं कि क्या कर पाएंगे अक्षत और डेल्टा पीजी, आई तीनों से बचे अक्षत डेल्टा पीजी और ओमेगा पर निक्सन की टीम कुछ अलग लेवल की कॉन्फिडेंस दिख रही है। मीनवाइल जाना तो आप सेवन स्क्वाड को पिक ऑफ, अच्छा सॉरी आई थिंक दैट वाज अ लेट फीड, नेवरदिलेस यहाँ पे गॉडल के प्लेयर्स भी चारों प्लेयर रेडी है एंड उन लोग गेट कीप कर रहे हैं जोन को बहुत ही अच्छे तरीके से। मल्टीपल पार्टीज की फाइट हो रही है बिटवीन अल्फा की टीम निक्सन की टीम एंड के18 की टीम, रायत वहां पे बंदूकबाज को मीनवाइल कंफर्म कर दिया, 4 किंग की टीम यहां पे काफी सेफली सर्कल के अंदर धीरे धीरे मूव इन कर रहे हैं, दे कुड कम एज अ शॉकर आई से डेफिनेटली दे कैन एक्चुअली जस्ट नो कम अप एज अ शॉकर, लेकिन हम देखना चाहेंगे आप देखिए जो ये 12 टीम यहां पर बची जो 31 लोग यहां पर जीवित है कितनी देर में ये टीमें कम होने वाली, क्योंकि आप देखिए डार्क एक तरफ लेटे हुए हैं, डार्क को शायद स्पॉट नहीं किया अब जाकर के वो यहां पर बोले ट्रिगर डिस्प्लिन बेहतरीन था, बेहतरीन ट्रिगर डिस्प्लिन आया बट सो की उनकी लोकेशन पता क्योंकि स्पावर बता चुके तो डैमेज हैज बीन डन ऑन स्पावर एज वेल, गन यहां पर स्विच कर चुके डार्क और उनके सब M4 रहेगी, एक एम पे जो सप्रेशन लगा था वो जरूर वहां पर रहेगा लेकिन M4 से मैं देखता हूं किस तरीके से फाइट निकाल पाते हैं क्योंकि उनके बैक एंड पर भी एक स्क्वाड है जो कि K18 का स्क्वाड रहता है और एक आखिरी प्लेयर यहां पर फिनिश होते नजर आएंगे सर्कल सेंड, यस देयर इट इज, 9 टीमें बची है, 23 लोग जीवित है, दिस इज गोना बी ब्रिलियंट फॉर दिस वन प्लेयर क्योंकि डार्क अकेले बचे हुए पिक्स निकाल रहे हैं, दैट इज अ रियली गुड थिंग। राइट एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि इनके पास एक चांस है, देव द सर्कल देव द जोन, अक्षत के पास बहुत ही प्यारा होल्ड पोजीशन है, देखते हैं कि ओमेगा का ये नेट पर आई थिंक वो अंदर नहीं डाल पाएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा पर जो स्पॉट है अक्षत और ओमेगा के पास इन लोग डबल वैमी देंगे इस पूरी टीम को। लेकिन जो के टीम का स्क्वाड है वो अच्छे तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, हाई ग्राउंड के एरिया उन्होंने होल्ड कर रखे हैं और वो वहां से प्रेशर बनाया, मैक्स वहां पर स्नैक्स को पिक करते नजर आएंगे, ऑलराइट उन्होंने एक पिक निकाला काफी बेहतरीन था, रोज की बीएचपी कम एंड द टाइम इज एक्चुअली टेकिंग डाउन ऑन हिम एज वेल, राइट पे पर फिनिश किया जा सकता है, उनको नॉक किया जा चुका है, फिनिश यहां पर भारी रहेगी बट गुरु को देखना होगा सर्कल आ रहा है और यहां पर प्रिंस को भी डाउन किया जा सकता है, अच्छे तरीके से डाउन किया, दिस इज वेयर इट बिकम्स चैलेंजिंग क्योंकि 7 टीमें बची हैं और ये जो स्क्वाड है गॉडिंगसन का इनको टॉप 3 में रहना था, आप देखते हैं कि किस तरीके से गेम चेंज होता है इनके अगेंस्ट इफ द टीम गोस डाउन। राइट एंड यहाँ पे अक्षत स्प्रेकआउट को बिल्कुल दोनों तरफ से इन लोग काफी प्रेशर दे रहे हैं, 7 टीम 11 प्लेयर बचे, दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस K18 की टीम पर, इनको रिवाइव्स करने होंगे, बहुत सारे रिवाइव्स पेंडिंग है, बहुत फास्ट हेल्थ जा रही है, आई थिंक एक ही प्लेयर रिवाइव हो पाएगा, सर्कल भी 16 सेकंड्स में आ रहा है, वो प्लेयर नीचे ड्रॉप करके स्मार्ट मूव बाय डेल्टा पीजी रिवाइव, आई थिंक एक ही जन हो पाएंगे एंड देन दे इंस्टेंटली हैव टू मूव इनसाइड द सर्कल, आई थिंक गड़बड़ मूव हो गया थोड़ा K18 की टीम के लिए बट क्रॉन्टन की टीम वहां पे पोजिशन होल्ड करे एंड सेम फॉर गुरु की टीम, इफ यू रिमेंबर ओशन मैंने मेंशन किया था गुरु की टीम सरप्राइज कर सकती है एंड आई थिंक दिस कुड बी द सरप्राइज दैट वी आर वेटिंग फॉर।
डेफिनेटली दे आर सरप्राइजिंग अस, और उनके पास सर्कल में भी एक अच्छा खासा एरिया है, उनको बैकस्टेप तो शायद ना ही देखना पड़े इस समय, बट अगर कोई आता है कोई बैक एंड से यू नो रिंग रिंग कराता है तो वो एक अलग चीज हो सकती है। रौनक आप देख सकते हो जोन के हल्का सा बाहर है, वो स्पॉट किया जा चुका है, उनका खेल यहां पर देना चाहेंगे। नहीं यस गुरु चल गेट्स इट, वो एक स्पीड पर बचे थे बट उसी समय इनकी जो बुलेट है वो उनसे टकराई एंड वो जो फिनिश है वो इनको मिल चुका है। 5 फिनिशेस यहां पर यू नो डार्क की टीम के पास, अगर मैं सांगवान की टीम बोलना चाहूं जिसमें 4 यहां पर डार्क हैं और क्रॉन्टन अगले हो सकते हैं, स्पॉट किया जा चुका है उनको भी, ये डैमेज जरूर पड़ा था लेकिन क्रॉन्टन वाज क्विक एनफ टू एक्चुअली टेक हिम डाउन, बट क्या वो इस नेट से बच पाएंगे वो भी एक सवाल बन जाता है अभी के लिए। इनके लिए वो क्लच कर पाएंगे या नहीं, डाउन टू टू टीम्स 2v2, मैक्सटन की टीम लास्ट में एक अलग सरप्राइज जरूर दे सकते हैं। आई डॉन और मैक्सटन दोनों बचे हैं एंड यहां पे हमारे पास है गुरु और फेरोसिटी, देखते हैं 2v2 का बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कल, ये क्या लगता है क्वेश्चन पिक 1 इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड वांट टू सी कि मैक्सिम के पास कितनी इन्फॉर्मेशन, देन गुरु के पास कितनी इन्फॉर्मेशन, वो कितना डिलीवर करते हैं उस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि देखिए स्मोक्स किए जा रहे हैं, मतलब आपको पता है सामने वाले पत्थर के आसपास प्लेयर्स हो सकते हैं जो आपका एंगल यू नो यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। डॉन एक अच्छा एरिया होल्ड करके बैठे, क्योंकि आप देखिए 4 किंग के जो प्लेयर्स है दोनों करीब है और जो मैक्सिम और उनके प्लेयर डॉन है वो दोनों एक दूसरे से दूर है, तो वो सेपरेट आउट करके यू नो फनलिंग कर सकते हैं, पर फनल बना सकते हैं और उसके अंदर पिंसर डाउन कर सकते हैं गुरु को, लेकिन गुरु भी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, डॉन को भी आगे मूव कर रहे हैं। दिस इज गोना बी चैलेंजिंग, दिस अ 2v2 फॉर द फाइनल मैच। फाइनल मैच पर टुडे लेडीज एंड बॉयज गर्ल्स और फेरोसिटी आगे जाएंगे, स्मोक को जैसे ही वो क्रॉस करते हैं मैक्सन शायद उनको हाई हेलो बोल सकते हैं और गुरु भी उसी चीज के लिए आगे जा रहे हैं। अगर बात करें हेलमेट वेस्ट की, डॉन के पास गुरु के पास लेवल 2 हेलमेट वेस्ट प्रॉपर पड़ा हुआ है, डॉन एक मॉली करना चाहते हैं, मॉली उन्होंने किया जरूर है बट गुरु के साइड में गिरा, बट गुरु स्पॉट किया जा चुका है परफॉर्मेंस और मैक्सन ये पिक निकाल सकते हैं, डॉन ने उनकी हेल्प करी काफी बेहतरीन तरीके से, फेरोसिटी लास्ट वन सर्वाइविंग, मैक्सन विल हिज टीम गेट अ चिकन डिनर और नॉट, या फिर फेरोसिटी अकेले इस ऊजी का इस्तेमाल करके पूरा गेम अपने हिस्से में ले जाएंगे, वाली 10 स्पॉट डाउन 1, लेकिन ये जो सर्कल है पीछे जाता है मुश्किल कर सकता है, वो आगे उठ चुके हैं, मैक्सन को डैमेज हल्का सा पड़ा है, ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है। फेरोसिटी अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मॉली उनके सामने, ही कैन नॉट मूव एट ऑल, इस मॉली के आगे जाएंगे तो अब उनको मॉली का डैमेज पड़ने ही वाला है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है। और मैक्सन जो उठ करके बैठे उस पेड़ के पास, वो पेड़ से टॉप टिप के एंगल ले रहे हैं, देयर इट इज, डैमेज किया थोड़ा सा, ही कैन टेक हिम डाउन, देयर इट इज, दैट वाज अ ब्रिलियंट गेम बाय मैक्सन, बहुत ही सरप्राइजिंग गेम प्ले, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, टुक डाउन सो मेनी टीम्स, टुक डाउन टीम मॉर्टल।